घर की आस में पति पत्नी अपने एक महीने के नन्हे बालक को लेकर हैदराबाद से बालाघाट मध्य प्रदेश जाने के लिए दोपहिया वाहन से निकले हैं। कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन कर दिया गया है, तब राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 हिंगनघाट शहर से जाता है। आज सुबह एक समूह हैदराबाद से बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य के लिए दोपहिया वाहन से निकला था, तब उन्होंने शहर में कलोड़ी चौक में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है, तब यह समूह वहां खाना खाने के लिए रुक गया था। एक महिला इस समूह में ऐसे भी थी जिसकी डिलीवरी को पूरा एक महीना भी नहीं हुआ था और उसकी डिलीवरी भी सीजर हुई थी। तब यह महिला और उसका पति, जिस बालक को पूरा महीना भी नहीं हुआ था, तब इस लॉकडाउन के चलते अपने घर की आस में दोपहिया वाहन से हजारों किलोमीटर का सफर इस नन्हे बालक को लेकर तय कर रहा है। महिला को इस विषय में पूछा गया तो उसने बताया कि इस बालक की प्रकृति भी कुछ ठीक नहीं, तब हैदराबाद में इसको दिखाया गया लेकिन डॉक्टरों ने इसकी जांच भी नहीं की है, दूर से हमें डॉक्टरों ने पर्ची लिख के दी, यह बात बताई। अभी तक उसको पहले महीने का टीका भी नहीं लगाया गया है, यह बात भी बताई गई है। पहले महीने का टीका अभी भी अपने गाँव में हम लगाना पड़ेगा, यह भी उन्होंने बताया। तब लॉकडाउन के चलते हैदराबाद में काम करने गया मजदूर वर्ग अपने गांव जाने की आस में दुपहिया वाहनों से ट्रिपल सीट भी जाते दिखाई दे रहा है। जान जोखिम में डालकर सबका एक ही मकसद दिखता है कि उन्हें अपने गांव जाना है। साथ ही अभी गर्मी का महीना शुरू हुआ है, सूरज भी अच्छा तप रहा है, तभी कोरोना के प्रकोप के रहते लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन हर कोई मुसाफिर मुश्किल दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। हिंगनघाट से इन बीसी न्यूज के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।